जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स पर। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं एक बेहद ही जरूरी सेशन में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलना चाहते होंगे, जो इंग्लिश को लिखना चाहते होंगे, जो इंग्लिश में चिल्लाना चाहते होंगे, जो इंग्लिश में दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते होंगे, लेकिन आपसे होता नहीं है ये सब, क्योंकि हम अपने दिमाग में बचपन से ही ये हवा बिठा के रखते हैं या दूसरों के द्वारा बिठा दिया जाता है कि अंग्रेजी तो बहुत टफ है। अगर टफ है तो इधर आओ मेरे पास आओ। अगर टफ है तो जरा बताना, इंजीनियर को कितने लोग हिंदी में बोलते हैं, पुलिस को कितने लोग हिंदी में बोलते हैं? तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है ना, जिसमें मुझे देख रहे हो चिल्लाते हुए लैपटॉप या मोबाइल में, कितने लोग इसको हिंदी में बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं? कोई नहीं बोलता। फेसबुक का हिंदी है, वो तो कंपनी है, चलो छोड़ दो उसको। कितने लोग हिंदी में बोलते हैं? नहीं बोलते हो ना। अब अगर पूछा जाए ना कि आपकी हिंदी वीक है कि अंग्रेजी वीक है, अभी अगर पूछ लिया जाए ना, कंप्यूटर की हिंदी जानते समय बोलता कोई नहीं, लैपटॉप की हिंदी जानते समय बोलता कोई नहीं, इंजीनियर की हिंदी जानते समय बोलता कोई नहीं, पुलिस की हिंदी जानते समय बोलता कोई नहीं, रेल की हिंदी जानते समय बोलता कोई नहीं है। इधर इधर नीम की अंग्रेजी बताना जरा, नीम की अंग्रेजी नहीं पता, अब लगेगी बोरिंग। जब तक पटर पटर करके अंग्रेजी बोल रहे हो तब तक अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, फिर तो ठुमका लगाने का मन करेगा। जैसे ही एक वर्ड नहीं आया, हाय बड़ी बोरिंग है। अब इसमें क्या गुनाह है? 6 तुम्हें आते हैं, 1 नहीं आता है, उसके लिए प्रयास करिए, एफर्ट लगाइए। किचन में गए, भगौना, चूल्हा, चकिया, मिक्सी, पता नहीं क्या क्या रखा है, चिमटा, फुकनी, बेलन दिख रहे हैं, अंग्रेजी ढूंढो उनकी। जिस दिन बोलने लग जाओगे, मम्मी भी कहेंगी, नजर उतारेंगे, मम्मी ऐसे करके काला टीका लगा देंगे, हाय मेरे बेटा बेटी को नजर ना लगे। अरे कोशिश करोगे तो इंटरेस्ट आएगा ना। किसमें इंटरेस्ट है आपका? क्रिकेट में इंटरेस्ट है? कितनी भी मुसीबत में फंसे हो मैच देखने का प्रयास करते होगे, किसी से बात करने में इंटरेस्ट है ना? बगल में मम्मी लेटी हो ना, तब भी सूं पूं करके बात कर ही लेते होगे, क्यों? इंटरेस्ट है भाई। किसी से मिलना है, लाख कोशिशों के बावजूद, लाख मुसीबतों के बावजूद भी मिलने पहुंच जाओगे, क्यों? इंटरेस्ट है, उस काम को करने में मन लगता है। जिससे ये नौकरी मिलेगी ना, जिससे जिंदगी भर सैलरी मिलेगी ना, जिससे मोबाइल में रिचार्ज कराओगे ना अपना, और समझ जाओ अपने बीवी बच्चों का या अपने पति और बच्चों का, वो चीज आज बोरिंग लग रही है। इंटरेस्ट लेवल तो क्रिएट करो भाई। चलो मैं मानता हूं कि पढ़ना, जब तक टीचर पढ़ा रहा है अच्छा लगता है, खुद पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मत पढ़ो खुद। इतनी सारी क्लासेस, मेरी तो 7 क्लास होती है डेली, मेरे दोनों चैनल पे मिला के, क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स और क्लास 24 डिफेंस एग्जाम्स पर। मत पढ़ो खुद से, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे की क्लास ले लो, सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं, अपने आप रिविजन होता रहेगा। लेकिन इंटरेस्ट देखो, आपके मन में अगर है कि आप नौकरी पाना चाहते हो, आपके मन में अगर है कि आप सपने देख रहे हो, उन सपनों को पूरा करना, तो मेहनत किसको करनी है? आपको। हम मेहनत करेंगे, हम अच्छे टीचर बन जाएंगे, आप मेहनत करोगे आप अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, हम मेहनत करेंगे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप मेहनत करोगे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब इंटरेस्ट लेवल किसको लाना है भाई? मुझे पक्का यकीन है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे या पहले भी मुझे जानते होंगे, तो आप कभी मेरी क्लास में बोर नहीं हो सकते। माहौल बना के रखता हूं, कभी किसी की टांग खींचना, किसी को डांटना, किसी को समझाना, किसी को प्यार करना, किसी को कुछ कहना, तो वो माहौल बना रहता है। इंटरेस्ट लेवल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब अगर क्लासेस चाहिए तो क्लासेस की टाइमिंग देख लो भाई, यूट्यूब की क्लासेस जो आपको मिल रही हैं मेरी तरफ से, उनकी टाइमिंग देख लीजिए, शायद मैं आपके काम आ जाऊं, शायद मैं आपके काम आ जाऊं। यूट्यूब की क्लासेस देख लो, सारी क्लास मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले बताता हूं एसएससी क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स पर, क्लास 24 एसएससी एग्जाम, पहली क्लास होती है सुबह 7:30 बजे और ये क्लास होती है वो कैप की, दूसरी क्लास होती है 10 बजे जो होती है सीजीएल सीपीओ के लिए, तीसरी क्लास होती है 2 PM और ये क्लास होती है
माफ़ी चाहेंगे, कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, मैनेज है, थोड़ा सा गैप हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ पूरे दिन। ये क्लास की टाइमिंग्स मैंने बता दी, क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स पर सुबह 7:30 बजे वो कैब, 10 बजे सीजीएल सीपीओ, 2 बजे स्टेनो सीएचएसएल, 9 बजे प्रैक्टिस सेट। पूरे दिन टाइम नहीं मिला, रात को 9 बजे थोड़ा सा टाइम लेकर आइए और पढ़ लीजिए, ले जाइए सारी चीज़ें। उसके बाद क्लास 24 डिफेंस एग्जाम्स पर भी क्लासेस होती हैं, क्लास 24 डिफेंस एग्जाम्स, इस पर भी आपके लिए रेगुलर क्लास है। और इनमें देखो सुबह 9 बजे वो कैप की क्लास है, फिर आपके सामने शाम को 6 बजे कंप्लीट ग्रामर की क्लास है, 2 क्लास ये आपकी हैं, टोटल क्लास कितनी होगी 7, ये यूट्यूब की क्लासेस हो गई। अब अगर आप लोग यूट्यूब की क्लासेस में भीड़ भड़ और फालतू के कमेंट से परेशान हैं, तो आपके पास मौका है, आप सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमारी टीम आपके फॉर्म भरने से लेकर के आपको सिलेक्शन दिलाने तक आपके साथ रहेगी। इस कोर्स में आपको मिलेगा डाउट सपोर्ट, मिल जाएगा प्रिंटेबल नोट्स, आपको मिल जाएंगे, अपडेटेड कंटेंट होगा, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नोट्स होंगे, टॉपिक वाइज आपको वीकली टेस्ट मिल जाएगा, ये एसएससी के पीवाईक्यूज पर आधारित है। इसको कैसे ज्वाइन करोगे, क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपना एग्जाम सिलेक्ट करो एसएससी, और वहां से आपको ये बैच सामने दिख जाएगा। क्लास 24 एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप इसको QR कोड को स्कैन करके भी डाउन ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा सीजीएल सीपीओ के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें 40 मॉक टेस्ट हैं, 40 आपके 80 मॉक टेस्ट हैं, 40 प्रीवियस ईयर और 40 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसे भी, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हो, इसे भी आप प्रिपरेशन सेक्शन में जा करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास पूरा मौका है, आपको यूट्यूब से पढ़ना है, आपको एप्लीकेशन से पढ़ना है, आप हर जगह पर पढ़ सकते हो, लेकिन ये दिमाग में आपको अपने दिमाग में लाना कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। जुड़े रहिए मेरे साथ में, मेरा नाम से आप सर्च कर लो, संजीव सर इंग्लिश, इंग्लिश विद संजीव सर, संजीव सर इंग्लिश बाय संजीव सर, आपको 6000 से ज़्यादा वीडियोस मेरे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और इतने वीडियोस डालने का मतलब है, इतनी क्लासेस लाइव लेने का मतलब है कि मैंने लोगों को सफल बनाया है, इंग्लिश में इंटरेस्ट लेवल क्रिएट किया है, इसीलिए इतने लंबे समय तक मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ। आपको भी भरोसा आया अगर, तो एक बार आप मौका दीजिए और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।